हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माई स्मार्ट टेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है जीमेल से ऑफलाइन अपने जो मेल हैं उनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जैसे कोई मेल आता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेल है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना हो पाने की वजह से हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, गूगल की तरफ से अब एक नया फीचर आया है जिसकी मदद से हम ऑफलाइन भी जो है जीमेल के मेल को रीड कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपनी जीमेल आईडी ओपन करनी है। अगर आप लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मेरी आईडी जो है डायरेक्ट ओपन हो चुकी है, जीमेल आईडी। ओके, ओपन होने के बाद दोस्तों आप इसमें साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे सेटिंग आती है, यहाँ पे देखेंगे सर सेटिंग का टैब आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे सेटिंग का, ये जो आपको दिख रहा होगा सेटिंग थीम कस्टमाइज एड्रेस, तो आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आप देखेंगे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। सेटिंग का जनरल लेवल इनबॉक्स अकाउंट एंड इंपोर्ट, तो इसमें आप जो जनरल के नीचे देख रहे हैं ऑफलाइन लिख कर आ रहा है। ओके, तो आपको ऑफलाइन पे क्लिक कर देना है। तो मैं ऑफलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। ऑफलाइन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आ गया इंस्टॉल जीमेल ऑफलाइन। ओके, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये एक आपको एक्सटेंशन जो है उसको ऐड करने के लिए बोलेगा अपने क्रोम ब्राउज़र में, तो आपको ये ऐड करना होगा। तो इसको ऐड करने के लिए ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है। आपको ऐड टू क्रोम क्लिक करने के बाद आपको ऐड ऐप पे क्लिक कर देना है। बस ये ऐड हो जाएगा आपका, और जैसे ही ये ऐड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हम इसके सारे फीचर्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आई थिंक ये ऐड हो चुका है अब हमारा इसमें। अब मैं जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। अब जीमेल को ओपन किया, अब मैं दोबारा से इसमें जाता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ और फिर से मैं इसमें चेक करूँगा ऑफलाइन में। तो अब आप देखेंगे मैं ऑफलाइन पे क्लिक करता हूँ तो इंस्टॉल जीमेल ऑफलाइन आ रहा है। तो जब इंस्टॉल जीमेल ऑफलाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखिए वो ऐड हो चुका है हमारे क्रोम में, लेकिन अभी जो है इनेबल नहीं हुआ है। तो हमें विजिट वेबसाइट पर क्लिक करना है। मैं विजिट वेबसाइट पर क्लिक कर दिया है। अब ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इसमें देखिए अलाउ ऑफलाइन मेल आ रहा है, तो इसमें आपको क्लिक कर देना और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, हमारे सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाता है जिसमें आप देख सकते हैं प्राइमरी सारे हमारे मेल यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, हम इन सारे मेल्स को आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कोई ये ऑफलाइन में आप जो है सारा रीड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, 2 वीक्स 1 मंथ तक का आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात इसमें यह आती है कि कैसे आपके जो ये प्रोसेस काम करता है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, जैसे कि आप जब ऑनलाइन होते हैं तो आपका जो ऑटोमेटिकली ये जो ऑफलाइन है जीमेल ऑफलाइन, ये आपको सिंक्रोनाइज करता है आपके मेल आईडी से। तो जितने भी मेल्स होते हैं, नए मेल्स आते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसमें आते रहते हैं। तो जब भी आप ऑफलाइन होते हैं तो वो सारे मेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ आसानी से उनको जो है रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये फीचर जो है जीमेल ने अभी लॉन्च किया है, काफ़ी टाइम हो गया अब इसको। तो दोस्तों, आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सारे मेल आप इसमें पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है इसको यूज़ कैसे करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी हटा दी है अब। ओके, तो हटाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से जीमेल ऑफलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो URL है ये आपको डालना होगा और इस पर आपको सारे मेल जो है अपने एक्सेस हो जाएंगे। इसका जो लिंक है वो मैं आपको खुद ही मिल जाएगा, जब आपका नेट चल रहा हो तो आप उसमें जीमेल ऑफलाइन लिखेंगे तो उसमें जो है ये लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, जब भी आपका इंटरनेट ना चल रहा हो आप इस लिंक को लिखेंगे तो आपकी जीमेल आईडी ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे अभी मैं gmail.com, ये मेरी ओपन थी पहले से, ये अब ओपन नहीं होगी क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये बंद हो जाएगी। ये देखिए, देर इज़ नो इंटरनेट कनेक्शन, अभी कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ओके, इसी तरीके से दोस्तों हमारी आईडी बिल्कुल नहीं चलेगी अब। लेकिन क्या होगा दोस्तों, ये वाली जो आईडी है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारी तब भी चलती रहेगी, क्योंकि इसमें जो है सारे मेल जो है सेव हो जाते हैं। ये देखिए, जीमेल ऑफलाइन है, इसमें सारे मेल मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, उसके बाद भी रिलोड करने के बाद भी सारे मेल हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होता रहता है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नए मेल नहीं मिलेंगे, आपको बार बार इसको करना होगा। ये ऑटोमेटिकली जब आप ऑनलाइन होते हैं तो अपने आप जो है आपके मेल जो है सिंक्रोनाइज कर देता है। ओके, अब जैसे मुझे कोई भी मेल इसमें पढ़ना है तो मैं उस पर क्लिक करूँगा सिंपल और मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। ओके, जैसे ये देखिए, ये है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेल पे, तो देखिए ये मेल हमारा ओपन हो चुका है। ओके, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बैक जाना है, बैक चले जाइए,
कोई सा भी मेल आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप इसको जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं ईमेल को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर देंगे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देंगे तो जो हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।